तो अपने जिंदगी में कुछ केसेस देखे हैं, जिन केसेस को मैं नाम देता हूँ सपने सुहाने लड़कपन के। अच्छा हुआ पूछ लिया। सपने सुहाने लड़कपन के एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जहाँ पे बंदे को लगता है अगर वो किसी तरीके से पैसे कमा लेता है तो वो एंटरप्रेन्योर है। एंड ऐसे ही एक घटना हुई है दिल्ली के सुमित के साथ। बंदे का नाम नहीं पता चला लेकिन यही है। तो भाई जियो हॉटस्टार की जो एक वेबसाइट थी, फैन फेवरेट वेबसाइट, उस पे एक लंबा चौड़ा मैसेज आया है जो कि साइट के ओनर ने लिखा है। एंड ना, साइट का ओनर रिलायंस नहीं है। इस मैसेज को शॉर्ट में पढ़ के दिखाऊं तो मेरा नाम सुमित है, मैं हॉकी का खिलाड़ी हूं, मेरी एक टांग नकली है, मुझे इंजीनियरिंग का शौक है लेकिन मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना है जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए, एंड पैसे लेके मैं एक कोर्स में एडमिशन लूंगा जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप का। लास्ट ईयर मैंने एक न्यूज सुनी जो कि डायरेक्ट पॉइंट भैया ने सुनाई थी कि जियो सिनेमा और हॉटस्टार दोनों मर्ज हो जाएंगे, जियो सिनेमा हॉटस्टार को खरीदने जा रहा है। एंड जब जियो ने सावन को खरीदा था तो वो बन गया था जियो सावन, तो अगर यहाँ पे जियो हॉटस्टार को खरीदेगा तो बन जाएगा जियो हॉटस्टार। होना मैं स्मार्ट। चलो रिलायंस भैया पैसा निकालो, वैसे भी क्या तुम्हारी मजबूरी, मतलब सार आप पे तो करोड़ों का पैसा है सार, हम तो आपके समंदर से एक बाल्टी लेना चाहते हैं सार। तो देखा आपने सपने सुहाने लड़कपन के, और बंदे की ऑडासिटी देखो कि ये रिलायंस वालों को इनविटेशन दे रहा है। यहाँ पे इसने लिखा है कि जियो हॉटस्टार कुड बी ग्रेट ब्रांड वैल्यू एंड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। मतलब ये रिलायंस वालों को बता रहा है कि भाई तुमने अपने स्ट्रीमिंग सर्विस का नाम क्या रखना चाहिए। नहीं, तुम जो कंपनी चला रहे हो तुम चूतिया हो, तुम दिल्ली के सुमित की सुनो कि क्या नाम रखना चाहिए तुम्हें अपने ओटीटी का। वैसे सच बताऊं तो नाम कूल होगा। बेसिकली इसको ये तब करना पड़ा जबकि मर्जर इतना नजदीक है एंड अभी तक रिलायंस से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा बेचारे को। तो फॉर द सेक वो चाहता है कि भले ही अपना ओटीटी का नाम ये ना हो जियो हॉटस्टार, बस रिलायंस खरीद ले, रिजर्व कर ले, मेरा जो पैसा गया है वो वापिस आ जाए। तो भाई मेरे, अगर रिलायंस जियो ने ऑलरेडी उस पे पेटेंट करा रखा होगा तो भाड़ में जाए तुझसे कौन पूछ रहा है यार। एंड पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये कवर अप स्टोरी हो सकती है, शायद क्योंकि जो पहली बार इसने एक मेल दिया था वो था वियकॉम 18 का ही। एंड ऐसे कोई रैंडम बंदा वियकॉम 18 पे मेल थोड़ी क्रिएट कर सकता है। शायद हो सकता है वियकॉम 18 का कवर अप हो अपना ये जियो हॉटस्टार वाली भांड हटाने के लिए, क्योंकि मजे की बात तो ये है कि अभी के लिए हर एक सोर्स यही इंडिकेट कर रहा है कि नई सर्विस का नाम जियो हॉटस्टार नहीं बल्कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ही रहने वाला है। रिलायंस बस सीधा सीधा कंट्रोल करेगी, जियो सिनेमा डिसॉल्व हो जाएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, डिज्नी प्लस हॉटस्टार एक स्टैंड अलोन सर्विस रहेगी जिस पे आईपीएल स्ट्रीम करेगा, एंड बूम हैप्पी एंडिंग। मैंने सारे सोर्सेस पढ़ रखे हैं, सब में ये है कि रिलायंस ने सब कुछ कंसीडर किया था। रिलायंस की फर्स्ट चॉइस थी कि भैया जियो सिनेमा को ही अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस बनाया जाए, फिर उन्होंने सोचा चलो जियो सिनेमा को स्पोर्ट्स के लिए बना देते हैं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार को एंटरटेनमेंट के लिए, फिर एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि भाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार ही एक लौती स्ट्रीमिंग सर्विस रहेगी क्योंकि उनकी सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी वगैरह है जो कि बहुत ट्रैफिक हैंडल कर लेती है और मजा देगी फ्यूचर में। नाइस डिसीजन पुत्र, नाइस डिसीजन। एंड सोर्सेस बताते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन पिछले हफ्ते ही दोनों जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के एम्प्लॉइज को बता दी गई थी कि भाई ऐसा होने वाला है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ही एक लौती स्ट्रीमिंग सर्विस होगी, तो रेडी रहो जियो वाले, अपना सामान पैक करो और हॉटस्टार के ऑफिस के लिए निकलो। अब देखो रीब्रांडिंग ना वो टोटली अब रिलायंस जियो पे है, ऐसी चीज इतनी आसान से तो लीक नहीं होती, लेकिन अभी के लिए हर कोई यही कह रहा है कि सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार ही एक लौती स्ट्रीमिंग सर्विस रहेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इंस्टाग्राम पर हॉलीवुड ब्लॉगर्स इंडिया को फॉलो करना ना भूलें क्योंकि ये डायरेक्ट पॉइंट है, इसलिए मैं इन सब चीजों में तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें इतना टाइम तो निकालना पड़ेगा दोस्त।